हेलो एवरीवन, दिस इज अर्पित विद द ब्रांड न्यू वीडियो ऑन मसल गाइस। एंड आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 400 सेंसिटिविटी फॉर क्लोज रेंज के बारे में, ठीक है। सो बहुत सारे लोग मुझे मैसेजेस कर रहे थे, कमेंट कर रहे थे, इंस्टाग्राम पे बोल रहे थे कि 400 सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा शेकी है, क्या ये सच में यूज़फुल है। और सो बेसिकली मेरे को ये आइडिया जब आया, जब मैंने थोड़े दिन पहले आपको बताया था 400 सेंसिटिविटी करके, जिसमें मैंने स्क्रीन शेक इफेक्ट के बारे में बताया था, तो जब मुझे आइडिया आया कि मैं इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करता हूँ, बिकॉज उस दिन मैंने 400 सेंसिटिविटी फर्स्ट टाइम की थी और मुझे थोड़ा सा ऐसा इंप्रूवमेंट लगा क्लोज रेंज में, तो मैं वो आपसे शेयर करने वाला हूँ कि क्या उसमें मेरे को इंप्रूवमेंट लगा और क्या क्या चीज़ें हैं जो 400 सेंसी में आपके काम आ सकती हैं। सो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो भी वीडियो देख रहे हैं फटाफट से लाइक बटन पर क्लिक कर दो, जो भी चैनल पर नया फटाफट से सब्सक्राइब भी कर देना। सो या विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गो फॉर इट। ओके गाइस, लेट्स टॉक अबाउट 400 सेंसिटिव और क्लोज रेंज। तो सबसे पहली चीज मैं आपको एक ही बता देता हूँ कि जो भी बंदा जायरोस्कोप यूजर नहीं है, ये वीडियो उनके लिए नहीं है, तो जो भी वीडियो देख रहा है पहले ही बंद कर सकते हो अगर आप जायरोस्कोप यूज नहीं करते हो तो, बिकॉज हम यूज करने वाले इसके अंदर जायरोस्कोप की थर्ड पर्सन नोस्कोप की सेंसिटिविटी वो होगी हमारी 400। और यहाँ पे मैंने FPP की भी 400 रखी हुई है ताकि मैं FPP खेलूँ इनकेस, तो वो दोनों ही सेंसिटिविटी मेरे काम आ जाए, ठीक है। कई बार क्या होता है कि हम क्लोज रेंज में FPP भी कर देते हैं तो शायद उस वहाँ पे भी वो 400 सेंसिटिविटी मेरे काम आ जाएगी, तो इसलिए मैंने दोनों की 400 कर रखी है। अब मैं आपको बता रहा हूँ इसके कुछ बेनिफिट्स और इसके जो कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जो नुकसान है वो बता देता हूँ। अब देखो बेनिफिट तो बहुत सारे हैं, ठीक है। पहले मैं आपको नुकसान बता देता हूँ, उसके बाद बेनिफिट्स के बारे में बात करेंगे बिकॉज वो ज़्यादा है। तो प्रॉब्लम्स ये आएंगी आपको 400 करने के बाद क्लोज रेंज में, कि जब आप अपने फ़ोन को ज़्यादा टिल्ट करोगे ना लेफ्ट राइट, तो आपको क्या है 300 में टिल्ट करने की आदत लगी हुई है, ठीक है। तो जितना आप 300 में टिल्ट करोगे, उतने अगर आप 400 में टिल्ट करोगे ना, तो बहुत ज़्यादा लेफ्ट राइट होने के चांसेस होंगे और वो हो गए, ऑब्वियस ही बात है, ये चीज़ आपको ही पता होगी। एक तो ये प्रॉब्लम आएगी, तो इसको एडजस्ट करने में आपको 2 से 3 दिन लगेंगे कि कितना फ़ोन आपको यूज़ करना है, टिल्ट करना है, ठीक है। एक तो ये प्रॉब्लम, दूसरी प्रॉब्लम ये कि जब आप टिल्ट करोगे ना, बहुत ज़्यादा लेफ्ट राइट हो जाएगा, एम खराब होने के चांसेस रहेंगे, आप उसको रिकवर करने के चक्कर में और भी खराब कर सकते हो, समझ रहे हो। जब आपने लेफ्ट किया, बहुत ज़्यादा लेफ्ट हो गया, तो जब आप राइट करें तो मे बी वो और राइट हो जाए या फिर थोड़ा सा कम हो जाए, बिकॉज आपको 2-3 दिन समझ में नहीं आएगा, तो ऑब्वियसली वो गलतियाँ होंगी स्टार्टिंग में, तो जिनको आप इग्नोर कर सकते हो, बिकॉज वो सेंसिटिविटी के चक्कर में आपका गेम प्ले खराब नहीं हुआ है, वो सिर्फ सेंसी के चक्कर में, तो वो चीज़ आपको 2-3 दिन तो देने ही पड़ेंगे, ठीक है। तो एटलीस्ट मेरे को दो दिन हो चुके हैं और मैंने इसको थोड़ा सा हैंडल कर लिया, बट स्टिल मैं जब किसी पे अपना एम या अपना क्रॉसर लेके जाता हूँ क्लोज रेंज में, तो थोड़ा बहुत मुझे भी एडजस्ट करना पड़ता है, बिकॉज अभी ही 2 ही दिन हुए हैं, ऑब्वियसली मुझे भी थोड़ा सा टाइम लगेगा। बट अब मैं थोड़े फ़ायदों की बात कर लेता हूँ, बिकॉज बहुत सारे फ़ायदे हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये कि अगर आपको अपना हाथ बैठ गया, ठीक है, आप मान लो बहुत सारे जायरो यूज़र्स ऐसे होते हैं जो जायरोस्कोप को कम यूज़ करते हैं, अपने थंब को ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है, और मैं भी उनमें से एक था, क्योंकि मेरा जो बैठने का पोस्चर ऐसा है जिसमें मैं जायरोस्कोप अच्छे से यूज़ नहीं कर सकता या नहीं कर पाता, या फिर स्टार्टिंग से मेरी हैबिट वैसी लगी हुई है, मैं बैठता हूँ चेयर पे, ठीक है, दोनों साइड पे ऐसे चेयर के जो हैंडल्स होते हैं उन पे हाथ रख के, तो मैं जायरोस्कोप इतना ज़्यादा एज सच मैं यूज़ नहीं करता, या फिर मैंने स्टार्टिंग से उसकी आदत डाली हुई है, जो भी आप समझ लीजिए। तो अब उस टाइम मेरे पे क्या दिक्कत होती थी, जब मैं 300 थी ना, तो मैं जब किसी बंदे को ट्रेस करता था क्लोज रेंज, जब वो बहुत ज़्यादा लेफ्ट राइट हो जाता था, तो मैं हमेशा बंदा जब आगे होता था मेरा क्रॉसर उसके पीछे ही रह जाता था, लाइक मैं उसको ट्रेस करने के चक्कर में हमेशा उसके पीछे भागता रहता था अपने क्रॉसर को लेके, फिर वो लेफ्ट होता था, फिर मैं बहुत देर बाद मेरा क्रॉसर में लेफ्ट लेके जाता था, तो ऐसा मुझे बहुत बार होता था। तो अब जब मैंने स्क्रीन शेकिंग की वीडियो बनाई 400 सेंसिटिविटी के ऊपर, तो जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि जब मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ सेंसी को, तो मैं क्या है अपना फ़ोन कम टिल्ट करता हूँ, तो जब मैं कम टिल्ट कर रहा हूँ तब भी मैं उस बंदे को ट्रेस कर पा रहा हूँ आराम से, बिकॉज 400 है सेंसिटिविटी। तो जब मेरे को इस चीज़ का फ़ायदा हुआ, तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि अगर आप एक ऐसे यूज़र हो जो अपने फ़ोन को कम टिल्ट कर रहे हो और थंब को ज़्यादा यूज़ करते हो, तो आप चाहते हो कि आप पूरे जायरो पे डिपेंड हो जाओ, तो आपको 400 कर लेनी चाहिए, अगर आप उनमें से हो जो फ़ोन को कम यूज़ करते हो, ठीक है। अगर आप उनमें से हो जो फ़ोन को ज़्यादा यूज़ करते हो, तो 300 भी आपके लिए काफ़ी है, बट स्टिल अगर आप 400 करोगे तो 3 से 4 दिन में आप उसको एडजस्ट कर सकते हो और आपको फ़ोन कम लाइक कम शेक करना पड़ेगा, तो आप आराम से उस चीज़ को कवर कर पाओगे। दूसरी चीज़ है रिकवरी, ठीक है। जब आपका एम खराब हो जाता है या फिर बंदा बहुत ज़्यादा जिगल दे देता है, तो आपको जस्ट एक स्वाइप स्वाइप करना है, एक फ्लिक करना है थोड़ा सा, जिसमें आप उस बंदे पे एम ले जा सकते हो 400 सेंसी में। तो ये इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आपको ज़्यादा एम लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ज़्यादा एम उसमें क्या होता है, जब आप फ़ोन को ज़्यादा लेफ्ट राइट टिल्ट करते हो ना कम सेंसिटिविटी पे, तो आपका एम भी चोक हो सकता है, ठीक है, आपका थोड़ा सा जो अपना क्या बोलते हैं उसको जॉयस्टिक, वो भी थोड़ा सा ख़राब हो सकता है फ़ोन को टिल्ट करने के चक्कर में, और 400 में ऐसा नहीं होता है। 400 में क्या होता है कि आपको कम टिल्ट करना होता है, बस एक चीज़ का ध्यान रखना, थोड़ी सी हैबिट आपको डालनी पड़ेगी, अगर हैबिट हो गई तो बहुत अच्छे से आप यूज़ कर पाओगे 400 सेंसिटिविटी। अब मैं एक और चीज़ बताता हूँ आपको 400 सेंसिटिविटी के बारे में, विच इज़ जब आप क्लोज रेंज में किसी से फाइट लेते हो ना,
तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि स्क्रीन शेकिंग 400 सेंसिटिव पे होती है और बहुत अच्छे से करो स्क्रीन शेकिंग, जिससे क्या होगा आपके हेड बहुत ज़्यादा लगेंगे। तो मैं उसका एक रीज़न बताता हूँ आपको, ठीक है, ऐसा क्यों होता है। अब पहले मैं बता देता हूँ ऐसा होता है कि नहीं होता, ऐसा होता भी है और नहीं भी होता है, ठीक है। अभी मैं पहले आपको रीज़न बता देता हूँ। द थिंग इज़ कि जब आप क्लोज रेंज में बंदा आपके सामने जिगल कर रहा है, राइट, तो जब आप उसके जिगल को मैच कराने के लिए अपने एम को जायरोस्कोप से लेफ्ट राइट करोगे, यानी अपने फ़ोन को टिल्ट करोगे, शेक करोगे, तो उस टाइम क्या होगा कि बंदा अगर बहुत ज़्यादा लेफ्ट राइट कर रहा है ना, तो आपका एम थोड़ा सा बाहर भी जा सकता है। मान लो उसने जल्दी से लेफ्ट राइट के लिए बाहर भी चला गया, अब जब वो राइट ले आया, ठीक है, खुद को, यानी उसने राइट जिगल दे दिया, तो आप लेफ्ट से जब राइट तक लेके जाओगे ना, उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है, ठीक है। अब आप सोचोगे कि नहीं मेरे टाइम नहीं लगता, वो आप 400 सेंसिटिविटी करोगे ना, तब आपको लगेगा कि हाँ यार 300 में थोड़ा सा टाइम लगता था, 400 में बहुत फास्ट कर रहा हूँ। तो वही चीज़ मैं बता रहा हूँ कि जब आप बंदे के जिगल को ट्रेस करोगे ना, तो आपको जिगल इतना ज़्यादा ऐसा ट्रेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज जब आप क्लोज रेंज में शेक करोगे ना, वो ऑलरेडी उस जिगल पे बार बार, मतलब बंदा सामने वाला एनिमी एक बार लेफ्ट से राइट जिगल देगा, आपका एम इतने में 4 बार लेफ्ट राइट हो जाएगा, तो आप उसको एटलीस्ट 2 बार गोली मार सकते हो एक्स्ट्रा, समझ रहे हो, क्योंकि 400 में बहुत फास्ट और बहुत क्विक होती है सारी चीज़ें। 300 में क्या होगा कि ऐसे बंदा एक बार लेफ्ट राइट जिगल दे रहा है, तो आप भी उसके साथ एक बार लेफ्ट राइट जिगल, मतलब को ट्रेस करने के लिए आप क्रॉसर को लेके जाओगे, तो एक बार गोली लग गई मान लो आपने लेफ्ट ले जाते टाइम, बट एकदम से बंदा राइट हुआ तो गोली दोबारा से राइट पहुंचने में टाइम लेगी। बट स्टिल 400 में क्या होगा कि बंदा एक बार लेफ्ट से राइट जिगल देगा, तो आप उसे 2 बार गोली मार सकते हो शेक करके, बिकॉज वो इतने में आप 2 बार लेफ्ट राइट कर लोगे 400 में, ठीक है। तो इसीलिए बहुत सारे लोगों का क्लोज रेंज इंप्रूव हो जाता है 400 सेंसी करने के बाद, बिकॉज बहुत सारे लोग मुझे ये भी कमेंट कर रहे थे कि 400 सेंसिविटी के बाद मेरा जो क्लोज रेंज है वो बहुत इंप्रूव हो गया है, और क्लोज रेंज में 400 सेंसी पे जब स्क्रीन शेकिंग करते हैं तो हेड लगते हैं ऑल दैट, बहुत सारी चीज़ें मैंने पढ़ी कमेंट्स में। तो या वही मैं बता रहा हूँ। अब एक चीज़ मैं और आपको ट्राई करने के लिए बोल रहा हूँ, विच इज़ क्लोज रेंज अगर आप यूज़ कर रहे हो 400 सेंसिटिविटी क्लोज रेंज के लिए यूज़ कर रहे हो, तो आपको एक और चीज़ बता दूँ कि मेक श्योर कि आपका जो एम असिस्ट है वो ऑफ कर लो, बिकॉज एम असिस्ट जब आप ऑफ रखोगे ना, तो आपको खुद को एम करना पड़ेगा सामने वाले बंदे पे, जिससे क्या है आपकी 400 सेंसी पे हाथ अच्छे से बैठ जाएगा, समझ लो। अगर आप स्टार्टिंग में एम असिस्ट ऑन करके खेलोगे तो वो एक माइनर चेंजेस होते हैं जो आपको पता नहीं लग पाएंगे, जो माइनर हेल्प करेगा एम असिस्ट आपका वो आपको पता नहीं लग पाएगा, क्योंकि वो बहुत थोड़ी सी हेल्प होती है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि एम असिस्ट ऑफ करके प्रैक्टिस करोगे तो आपको खुद को एम करना पड़ेगा, आपकी जो सेंसिटिविटी है वो आपको खुद को पता चलेगी, ठीक है। बट एम असिस्ट ऑन रहेगा तो वही हेल्प कर देगा, तो इतना ज़्यादा आपको समझ में नहीं आएगा कि हाँ ठीक है, आपको लगेगा कि सब ठीक है, बट वो ठीक नहीं होता है, आपका एम उतना अच्छा होगा नहीं, क्योंकि एम असिस्ट ऑन है तो असिस्टेंस तो मिल ही रहा है आपको। तो या मैं ये कह रहा था कि एम असिस्ट ऑफ करो, 400 सेंसी करो। अब मैं आपको कुछ ड्रिल्स बता देता हूँ, ठीक है। ड्रिल्स बेसिकली बहुत सिंपल है, जब आप जिगल दो ना, ड्रिल्स एक्चुअली वापस से आपको वही सेम ड्रिल्स यूज़ करनी है जो मैंने पहले एक बार जिगल वाली वीडियो में बताई थी, जिगल प्लस एमिंग वाली वीडियो में। आपको सामने वाले टारगेट पे एम रख के रखना है बीच में, और खुद लेफ्ट राइट होना है। ये ड्रिल हम दोबारा इसलिए यूज़ कर रहे हैं बिकॉज देखो सेंसी चेंज किया, तो हमें पता लगना चाहिए कि हमारा फ़ोन कितना टिल्ट कर रहे हैं, जिससे वो सेंसी अच्छे से वर्क करे, समझ रहे हो। तो 400 सेंसी पे हाथ बैठाने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि ये वाली ड्रिल आप यूज़ करो। दूसरी ड्रिल है क्लोज रेंज में, क्लोज रेंज मत समझो इसको, मिड रेंज समझ लो, मतलब इसमें आपको एडीएस ओपन नहीं करना है, इसमें आपको क्रॉस एयर से ही एम ट्रांसफर करना है। इससे क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि मैं अपने फ़ोन को कितना फ्लिक कर सकता हूँ और कितना जल्दी सामने जो मेरा क्रॉस एयर है वो दूसरे टारगेट पे चला जाएगा, ठीक है। तो ये वाली ये ड्रिल है दूसरी वाली, जिसमें सामने जो भी टारगेट्स आप चूज़ कर लो उसमें जस्ट आपको क्रॉस एयर से ही एम ट्रांसफर करना है, ठीक है। आप कोई भी चीज़ें यूज़ कर सकते हो, नीचे कोई ऑब्स्टेकल्स यूज़ कर सकते हो, या फिर ये बड़े वाले टारगेट यूज़ कर सकते हो, कुछ भी यूज़ करो, जस्ट आपको फ्लिक करके एक से टारगेट से दूसरे टारगेट पे अपने एम को ले जाना है, ठीक है। बेसिकली 2 सिंपल सी ड्रिल आपको यूज़ करनी है, और कुछ भी इससे ज़्यादा आपको ड्रिल यूज़ नहीं करनी है, और जस्ट आपको प्रैक्टिस करनी है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा फायदे में रहोगे। और वो जो मैं आपको बता रहा था ना स्क्रीन शेकिंग, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ यार, वो स्क्रीन शेक जान पूछ के मत करना, लाइक फॉर शो ऑफ, या खुद आपको सोच रहे हो कि मैं स्क्रीन शेक कर रहा हूँ तो एम लग जाएगा, ऐसा नहीं। आपको कोशिश तो यही करनी है कि आप बंदे पे एम लगाओ, बिकॉज यार कभी ना कभी तो मान लो आप सेंसी चेंज करोगे और इतना ज़्यादा शेक नहीं कर पाओगे, तो आपको शेक की आदत लगी होगी यार, आप बीच में शेक करते रह जाओगे। मान लो आपने 300 की कभी सेंसी या 250 की, मतलब हो जाता है, मूड में आ जाती है कि नहीं यार मैंने फ़ोन चेंज किया, मुझे इतनी ज़रूरत नहीं है, तो उस टाइम दोबारा से आपका एम खराब होगा, ठीक है, क्योंकि आपने पहले एम की प्रैक्टिस नहीं की, आप बस स्क्रीन शेक के मज़े लेते रहे, ठीक है। तो एम ही करना है आपको क्लोज रेंज में, बट थोड़ा सा फास्ट करने की कोशिश करना, वो स्क्रीन शेक अपने आप हो जाएगा, उसकी टेंशन मत लो, ठीक है। सो या क्लोज रेंज में 400 सेंसिटिविटी कैसे काम करती है, कैसे क्या चीज़ें इसमें हेल्पफुल होती हैं, कैसे एम असिस्ट ऑन रखना है, ऑफ रखना है, कौन सी डिटेल है, सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। जस्ट जाओ, और जिनको मतलब लिटरली जिनको 400 सेंसी पे प्रैक्टिस करनी थी ना वही करना, जो सोच रहे हैं कि यार
फोर्ट भाई की वीडियो देखी उसके बाद मैं 400 सेंसिटिव ट्राई करता हूँ तो वो मत करना, ठीक है, वो जबरदस्ती वाली बात हो जाएगी। और अगर आप नहीं करना चाहते तो मत ही करना। तो जो लोग पहले से करना चाहते थे, आई होप उनको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मिली होगी वीडियो देख के, और अगर इन्फॉर्मेशन मिली हो तो प्लीज़ लाइक करना इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करना, वीडियो अपने दोस्तों का शेयर करना ताकि उनको भी थोड़ी हेल्प मिले। एंड मैं मिलता हूँ नई वीडियो में, देन बाय, टेक केयर, नमस्कार।